बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से बाबा फूड आर आर से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। जो लोग अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं या जो कर रहे हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में मुझे जहाँ सुना जा रहा है सबको मेरे भाई मेरा सलाम पहुँचे। काबली पुलाओ या अफगानी पुलाओ, काफी रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी। किस तरीके से तैयार होती है, टेस्ट किस तरीके से निकलता है, मैं आज आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। 1 किलो का फार्मूला दे रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की तैयार होगी। देखिए किस तरीके से बनती है। इसके साथ का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दें। इसलिए 200 ग्राम घी है, घी में तैयार कीजिएगा, जहन में रहे, ये इसके अंदर शामिल कर दें। घी गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ 1 से 2 मिनट के बाद। घी गर्म हो चुका है। 1 पाव प्याज, 1 पाव प्याज छिलके समेत था वो मैंने काट लिया, इसके अंदर शामिल कर दें 1 पाव प्याज को। और 3 से 4 मिनट मैं इसको 4 मिनट प्याज को नरम कर लूँ मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ 4 मिनट के बाद। प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए, 3 मिनट लगेंगे या 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नबी भाई मुझे इस कंडीशन में प्याज चाहिए, 3 मिनट लगे हैं। मैंने इसको सिर्फ सोते किया, नरम किया प्याज को, बस मैंने इसको ब्राउन की तरफ डार्क की तरफ लेके नहीं जाना। 1 किलो चिकन इसमें शामिल कर दें और चिकन को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट में चिकन को फ्राई करूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहेगा 4 मिनट, इसको फ्राई होने के बाद मैंने चिकन को अच्छे तरीके से 4 मिनट फ्राई कर लिया, ये इस कंडीशन में आ गया। देखें जब इस कंडीशन में आ जाए, इस टाइम पे आके 2 टेबलस्पून शुगर चीनी शामिल कर दें, हाफ टेबल स्पून काला ज़ीरा पिसा हुआ 1/2 टेबलस्पून शामिल कर दें, 2 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर दें दोबारा से। मैं इसको अच्छे तरीके से फिर भून लूँ 3 से 4 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आप कहेंगे कुछ चीज़ मैंने आपको तैयार करके दिखाई है। तीन से चार मिनट मजीद भूनने के बाद ये देखें, ये बादामी कलर में आता जा रहा है हमारा चिकन, प्याज भी साथ साथ ब्राउन होती जा रही है ऐसा ऐसा। बात समझें, टिप्स दे रहा हूँ आप सीखा करें। इस टाइम पे आके 1/2 टेबलस्पून नमक या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं, 1/2 टेबलस्पून 1 किलो के फार्मूले में, मैंने फार्मूले थोड़े कर देते हैं किलो किलो थोड़े वास्ते। ये मेरे पास गाजरें थी, ये 4 अदद गाजरें मैं लेके आया था, मैंने उसको इस तरह काट लिया, ये सारी नहीं जाएंगी, थोड़ी सी गाजरें तकरीबन ये 1 गाजर बनती है, बस इसमें डाल दें। किशमिश, शीशा किशमिश, ये देखें शीशा वाइट, ये थोड़ी सी ये डाल दें, इतनी सी 2 टेबल स्पून बनते हैं। हल्का सा इसमें पानी लगा दें ताकि ये जले नहीं। ये देखें इसको अब 2 से 3 मिनट में इसको और भून लें। हाय हाय बहुत प्यारी खुशबू लेवर अभी से आने लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल की चीज़ तैयार हो गई। देखें जैसे कर लें इसको अच्छे तरीके से, मैं इसकी भुनाई कर लूँ 3 मिनट और गाजरें डाल के, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाई हो। ये नहीं हुआ इसकी, देखें भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, 3 से 4 मिनट मजीद भुना। ये मेरे पास चावल थे, ये मैंने 1 किलो चावल लिए मेर मिट करके तोल के 1 किलो भिगो दिया आधा घंटा पहले। ये मेरे पास आधा किलो वाला मग्गा है, 2 मग्गे बनते हैं इसके, ये 2 मग्गे चावलों के भिगो दिए, 1 किलो वजन बन गया। अब इसमें पानी कितना डालना है, आप 2 जमा 2 4 करते हैं, मैं 4 नहीं डालूँगा। देखें ये तो देखें, ये 1 और ये हो गया जी 2, ये हो गया मेरे पास 3, ये 3 मग्गे मैंने इसमें डाले पानी के, थोड़ा सा ऊपर डाला बस। ये देखें ये 3 मग्गे 3.25 मग्गे समझ लें डाल दिए मैंने इसमें। इसको अच्छे तरीके से हिला दें, मिक्स कर दें और इसको ऐसे कवर कर दें, पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करें। जब बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं हुआ, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, फ्लेम मेरा मीडियम ही है। ये 1 किलो चावल आधा घंटा पहले जो मैंने भिगोए थे सुपर चावल कच्चे बांसपति के स्टीम वाले, ये इसके अंदर डाल दें, शामिल कर दें अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको, और मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको पका रहा हूँ। मैंने इसका फ्लेम हाई हुई कोई नहीं किया, ये बात ध्यान में रहे आपके।
इसको हल्का हल्का इस तरह कर लें, ये देखें इस तरीके से इसको हिला लें, और मीडियम फ्लेम पे इसका थोड़ा सा पानी खुश कर लूँ। उसके बाद क्या, जब तक पानी खुश होता है मैं साथ वाले चूल्हे पे ये पुराना तवा इसके साथ कर लेने लगाऊँ, इसके ऊपर मैं दम लगाता हूँ, छोटे पतीलों को इसके ऊपर रख दें, नीचे से फ्लेम ऑन कर दूँ, इसको मैं गर्म कर लूँ, फिर इसकी आग नीचे से कम कर दूँगा जब तक इसका पानी खुश होता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें और इस टाइम पे आके देखें इस कंडीशन में जब हमारे चावल आ जाएं, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू, कमाल का टेस्ट, अफगानी पुलाव, आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने बना के दिखा दी अपने देखने वालों को। इसको ऐसे कर दें सीधा पदरा, फ्लेम ये वाला बंद कर दें, मेरी बात को समझा करें। हाफ टेबल स्पून काला ज़ीरा इसके ऊपर डाल दें इस टाइम पर, बादाम ये देखें इसके ऊपर डाल दें जितने आप पसंद करते हैं, ब्लैक किशमिश काले वाली 2-3 टेबल स्पून ये यहाँ पे डाल दें, गाजर जो मैंने पहले आपको बताई थी एक गाजर पहले डाल ली, एक गाजर थोड़ी सी ऊपर ऐसे रख दें, ऐसे रख दिया। ऐसे रखने के बाद ये वाइट शीशा किशमिश ये थोड़ी सी डाल दें, आए हाय हाय क्या ही कहना है, आप कहेंगे कोई चीज़ बन के तैयार हो रही है। घी ये 1, ये 2 टेबल स्पून घी के इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा वो कर दें। मेरे पास ये अलमुनियम फाइल है, ये देखें अलमुनियम फाइल ये ले लें, यहाँ पे रखें इसकी गुमैश की काट लें, कोई मसला नहीं है, ये ऐसे रखें, ऐसे रख दें, इसका कवर लगा दें, मैं इसको एयर टाइट करने लगा हूँ, एयर टाइट ये ऐसे इसको कवर लगा दें इसका अच्छे तरीके से, ऐसे ये रखें ये लगा दिया कवर इस तरीके से। अब ये जो हमारा तवा जो है ना ये गर्म है, देखें फुल, इसको उठाएं इसके ऊपर रख दें, इसे बंद कर दिया। अब इसके ऊपर मैं दम देने लगा हूँ 25 मिनट के लिए, अब इसकी फ्लेम तवा गर्म हो गया, अब इसकी आग को स्लो करने लगा हूँ, स्लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए इसको छोड़ने लगा हूँ। 25 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दूंगा, ये देखें ऐसे, ये मेरी 3 किलो की है मिसाले वाले डब्बे, 3 किलो वजन रख देता होते हैं। अब 25 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो है। ये ना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगा हूँ, इसको आपके सामने खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं, अफगानी पुलाव क्या ही कहने, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कंडीशन है जी इसकी, आप देख लें इसको इस तरीके से बनाइएगा। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में शामिल करना चाहते हैं, वो कर लें। ये ले व्यूअर, ये देखें इस टाइम पे आके दम खोल दिया, 1 मिनट का रेस्ट दे दिया, ये चीज़ें ऐसे साइड पे कर दें, जो ऊपर हमने मेवा जार डाले थे बादाम शदाम सब चीज़ें साइड पे कर दें, क्या ही कर दें। अकेला अकेला चावल यहाँ से चम्मच रखें, ऐसे मारें, ये देख लें आप इस तरीके से इसकी कंडीशन होनी चाहिए, देखें ये देखें इस तरीके से अलग अलग चावल आपको मिलेगा, फिर आपने सर्विंग जो करनी है वो इस तरीके से ऐसे, ये फिर चावल उठाएं ऐसे, फिर इसको ये देखें ये बोटी उठाएं ऐसे रखें, कोई मसला नहीं है, ये देखें ऐसे रखें, फिर अब यहाँ पे आएं, ये बादाम ऐसे ऊपर डालें, ये ब्लैक जो थी मेरे पास किशमिश ये ऐसे डालें, गाजर उठाएं थोड़ी सी ये ऐसे डालें, ये देखें ये ऐसे, ये इसकी सर्विंग का तरीका बनेगा मेरे भाइयों। ये अफगानी पुलाव का नाम इसको दिया जाता है, बहुत टेस्टी बनती है, कमाल की बनती है, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी जाए, आप चेक करें ट्राई करें, उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको भी लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, शेयर जितना शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। मेरे भाइयों दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह हाफिज़।